Alright friends, so today we are starting a very important topic and the name of the topic is a cost sheet. This is your chapter number 4 आपको दे रखा है, page number 4.1 पर, okay? This is page number 4.1 पर, आप देख लीजिए. This is your page number 4.1, solution book आप निकालिए friends, जहाँ पे मैंने आपको explain किया है, chapter number 4, this is your cost sheet. Solution book में आपको मैं वापस से, वैसे तो basic concept में मैंने आपको बताया था, and basic concept में मैंने आपको बताया था ये, okay? Cost sheet. What is the name of the topic? Name of the topic is a cost sheet, okay? Solution में है ये, solution book में ये आपको दे रखा है. This is page number 4.1 पर. Solution book में आपको दे रखा है. पेज नंबर 4.1 पे, ओके, वहां से अपन स्टार्ट करते हैं. तो पहले मैंने आपको बताया था मीनिंग, और ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं ये टॉपिक, वापस से मैं आपको एक बार बता देता हूं. मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट शीट? कॉस्ट शीट मीन्स दिस इज योर कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट मीन्स इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. दिस इज योर टोटल कॉस्ट एज वेल एज, अगर आप प्रोडक्शन से इसको डिवाइड कर दोगे फ्रेंड्स, तो आपको क्या आ जाएगा? दिस इज योर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई प्रोडक्शन, आपको क्या आ जाएगा? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वॉट इज अ कॉस्ट शीट? एक स्टेटमेंट जैसा रहेगा, विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को डिवाइड करेंगे, आपको क्या आएगा? यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और टोटल कॉस्ट यू डिवाइड इन टू, वन इज ए डायरेक्ट कॉस्ट, वन इज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट. मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉस्ट शीट यू टोटल कॉस्ट यू डिवाइड इन टू, वन इज ए डायरेक्ट कॉस्ट, वन इज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स योर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस. मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि ये आपका कॉस्ट, कॉस्ट यू डिवाइड इन टू, एक आपका रहेगा डायरेक्ट और एक आपका रहेगा इनडायरेक्ट. एक आपका रहेगा डायरेक्ट और एक आपका रहेगा इनडायरेक्ट. कॉस्ट तीन तरह का रहता है. एक होता है आपका मटेरियल कॉस्ट. बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में मेरे में बताया था, मटेरियल, देन लेबर एंड देन एक्सपेंसेस. डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों से मिलकर आपका क्या बनेगा? प्राइम कॉस्ट. बैलेंस बचा इनडायरेक्ट, 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 तीनों से मिलकर आपका बनेगा ओवरहेड. एंड ओवरहेड यू डिवाइड इन थ्री, एक आपका फैक्ट्री ओवरहेड, एक आपका एडमिन ओवरहेड और एक आपका सेलिंग ओवरहेड. तो एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए. मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आप निकाल लीजिए पेज नंबर 4.1, सॉल्यूशन में आपका पेज नंबर 4.1 आप देख लीजिए फ्रेंड्स. इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स एनी एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन. मीन्स अगर आपका प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट होगा, अगर नो प्रोडक्शन इट मीन्स नो कॉस्ट. मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट मीन्स एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन बट नॉट डायरेक्टली इज नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट में आपका क्या क्या आ जाएगा? दिस इज योर डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अगर प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कॉस्ट नहीं होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट. देन आपके पास बचा इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट मीन्स योर इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इन तीनों के टोटल को ही हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स ओवरहेड. एंड ओवरहेड हम लोग तीन में डिवाइड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड. टोटल कॉस्ट मीन्स योर डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट में सबसे पहले आपका आएगा नोट नंबर 1 इज ए प्रोडक्शन. नोट नंबर 1 आपको क्या निकालना है? इज ए
प्रोडक्शन। नाउ व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन वो आपको बताता हूं, ठीक है। फिर आप आ जाइए पर्टिकुलर्स में, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल नोट नंबर 2, डायरेक्ट लेबर नोट नंबर 3, डायरेक्ट एक्सपेंस नोट नंबर 4। आपको प्राइम कॉस्ट मिलेगा, देन इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड नोट नंबर 5, आपको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा, एड ओपनिंग डब्ल्यू आई पी लेस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा, एड एडमिन और ऑफिस ओवरहेड नोट नंबर 6 आपको मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नोट नंबर 7, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस और आपका आ जाएगा सेल्स। Now, what do you mean by production? Production means your sales of finished goods plus closing stock minus opening stock. Sales of finished goods plus closing minus opening. ये आपका क्या हो जाएगा? इज ए प्रोडक्शन। सपोज आपने 10,000 यूनिट का सेल किया, 2,000 यूनिट अभी भी आपके पास है, इसका मतलब आपने प्रोडक्शन कितना किया होगा इस पर? 10 + 2 = 12, लेकिन 4,000 आपके पास पहले से था, इसका मतलब आपका प्रोडक्शन कितना हुआ? ओनली 8,000 यूनिट्स। व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल मींस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस, योर ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस योर परचेजेस, परचेजेस के साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस मींस एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड, अगर आपने वेंडर से लेके स्टोर्स तक अगर आपने कुछ भी खर्चा किया है तो वो आपका किसमें आ जाएगा? डायरेक्ट टैक्स। जैसे फ्रेट, इंश्योरेंस, टैक्सेस, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, कुछ भी अगर आपने पे किया है वो इसमें ऐड हो जाएगा। लेस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस परचेज रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस परचेज रिटर्न और लेस क्लोजिंग स्टॉक, बाकी का जो बचेगा वो आपका आ जाएगा। नोट नंबर 3 डायरेक्ट मटेरियल दिस, ओके। देन उसके बाद आपका आ जाएगा फ्रेंड्स इज ए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सेकंड इज योर नोट नंबर 3 इज योर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मींस योर पेड प्लस योर पेएबल माइनस प्रीपेड, आपका क्या हो जाएगा? इजे आपने कितना पे किया है, कितना पेबल है माइनस कितना प्रीपेड था, जो आपका हो जाएगा। देन उसके बाद आपका आएगा नोट नंबर 4 फ्रेंड्स, दिस इज योर नोट नंबर 4 इजे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा फ्रेंड्स? पेड, आपने क्या पे किया, क्या आपका पेबल है माइनस क्या आपका प्रीपेड है वो माइनस हो जाएगा, और बाकी का जो बचेगा दैट विल बी योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रॉयल्टी, हायर चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी, मैंने आपको फर्स्ट एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, अब आपका फर्स्ट, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये सब डिटेल में बताया था। नोट नंबर 5 आपका आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड इट मींस पेड All the expenses which is directly related to factory is known as factory expenses. All the expenses which is directly related to factory is known as factory. Factory rent, factory insurance, depreciation, supervisor salary. जो जो factory, factory से related जो भी expenses होंगे, paid plus payable minus अगर आपका कुछ है advance में pay किया prepaid, और उसके बाद अगर आपको कुछ स्क्रैप वैल्यू मिलता है छोटा सा अमाउंट वो आप माइनस कर दीजिए यहां से, वो मैंने सब आपको नोट्स में दे रखा है, आप देख लीजिए। एडमिन ओवरहेड, ऑल द एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑफिस इज ए एडमिन ओवरहेड, दिस इज योर नोट नंबर 6। एडमिन और ऑफिस ओवरहेड, एडमिन स्टाफ की सैलरी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस टैक्सेस, सब मिला के आपका वही वापस पेड देन पेएबल माइनस प्रीपेड, पेड पेबल प्रीपेड करेंगे तो आ जाएगा। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नोट नंबर 7 आपका लास्ट में हो जाएगा। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, एनी एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग एक्सपेंसेस नोन एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सही है सोनो फ्रेंड। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट नोट है वो जरा हाईलाइट कर लीजिए आप। सबसे इंपॉर्टेंट नोट है पेज नंबर 4.3 पर, मैंने आपको लिखा है, उसको आप प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए। इन कॉस्ट शीट वी कंसीडर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच इज प्योरली और एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू ऑपरेशन।
In cost sheet, we considered income and expenditure, which is purely or exclusively related to operation. That's why cost sheet is always gives you the operating profit. In cost sheet, we considered, बहुत ध्यान से सुनना आप ये. In cost sheet, we considered income and expenditure, which is purely or exclusively related to operation. Which is purely or exclusively related to operation. इसका मतलब कॉस्ट शीट हमें क्या देगी, हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एंड प्रॉफिट. इसको हम क्या बोलेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट. एफएमए में मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सही है. सुनो, ये आपका फॉर्मेट पार्ट पेज नंबर 4.1, 4.2 एंड 4.3, ये तीनों पेज पे आपको जो बेसिक फॉर्मेट मैंने आपको दिया है वो आप जरा देख लीजिए, क्योंकि दिस इज ए बेसिक कंसेप्ट. इट मींस इसके सारे चैप्टर्स उसके ऊपर डिपेंड हैं, आपके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर. ओके, अब मैं आपको क्वेश्चंस लेता हूं. ओके, और एक एक क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से करेंगे तो आपका काम एकदम प्रॉपरली हो जाएगा. ओके, पहला क्वेश्चन आप देखिए फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन बुक मैंने दी है पेज नंबर 29, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. पेज नंबर 29 इन क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 4.3 is your solution, आपकी सॉल्यूशन बुक में दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन बुक में दे रखा है, और ये आपका आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 29 इज क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 4.3 इज इन सॉल्यूशन बुक, सही है. सुनो फ्रेंड्स, ऑलराइट, एक एक करके आप जरा ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिए. The accounts of a company are expected to reveal a profit of 14 lakhs. Question number 4, आप निकाल लीजिए friends, page number 29, and this is in your question book. The accounts of a company are expected to reveal a profit of 14 lakhs after charging fixed cost of rupees 10 lakhs. Profit कितना है उसका? Profit है 14 lakhs, बराबर है, and fixed cost है आपका 10 lakhs. मिलके क्या हो गया आपका 24 lakhs. ठीक है, सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 50 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल प्राइस है पर यूनिट इज 20 पर यूनिट. ये आपका एट परसेंट है. तो पहले अपना चार्ट नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था मार्जिनल में, उसमें आप पुट कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा. इट मींस दिस इज योर सेलिंग प्राइस डिवाइडेड टू वेरिएबल प्राइस बैलेंस, उसको बोलेंगे अपन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड टू फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट. व्हाट इज योर प्रॉफिट? प्रॉफिट इज 14 lakhs, fixed cost is 10 lakhs, contribution is 24 lakhs, selling price is 50 per unit, variable price is 30 per unit. It means 50 minus 30, आपका क्या आ जाएगा 20. It means 24 lakhs डिवाइडेड बाई 20 मीन्स आपका 24 लैक्स डिवाइडेड बाई 20 आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी 1,20,000.
say yes or no. It means your fixed cost plus profit divided by contribution per unit, आपको expected sales units आ जाएगा. 50 रुपीज, 50 में से 30 निकल गया, आपको बचा 20, 24 लाख को 20 से डिवाइड किया, इट मींस आपका क्या आ गया, 1 लाख, इट मींस आपका सेलिंग प्राइस, ओ वेरिएबल प्राइस 20 है, सॉरी वेरिएबल प्राइस है आपका 20, ऑलराइट फ्रेंड्स, वेरिएबल प्राइस है आपका 20, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 20, तो ये आपका आ जाएगा 50 माइनस 20 इज 30, मींस आपका 24 लैक्स डिवाइडेड बाय 30 एंड दिस कम्स टू 80,000 यूनिट्स. मींस एट प्रेजेंट आप कितना यूनिट सेल कर रहे हैं, 80,000 यूनिट्स. एट प्रेजेंट आप कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं, एट प्रेजेंट आप सेल कर रहे हैं 80,000 यूनिट्स. इट मींस आपका एक्सपेक्टेड सेल्स कैसे आएगा, इट मींस योर दिस इज एक्सपेक्टेड सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सही है, सुनो, 80,000 आपका यूनिट्स आ जाएगा. सही है, सुनो, एट प्रेजेंट आप कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं, इज 80,000 यूनिट्स. अब क्या बोल रहा है, मार्केट इन्वेस्टिगेशंस ऑल्टरनेटिव्स आपको दे रखा है, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, 3, सजेस्ट द फॉलोइंग सेलिंग प्राइस रिड्यूस. अगर आप सेलिंग प्राइस 5% से रिड्यूस करते हो, रेस्पॉन्स टू द प्राइस चेंज, क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज बाय, इवेल्युएट दीज ऑल्टरनेटिव एंड स्टेट विद द ऑल्टरनेटिव्स ऑन प्रॉफिटेबिलिटी कंसिडरेशन शुड बी एडजस्टेड फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर. इसका मतलब एट प्रेजेंट आप कितने यूनिट्स बेच रहे हैं, एट प्रेजेंट आप यूनिट बेच रहे हैं 80,000, एट प्रेजेंट आप कितने यूनिट्स बेच रहे हैं 80,000. अब ये क्या बोल रहा है कि अगर आप सेलिंग प्राइस 5% से कम कर देते हो, अगर आप सेलिंग प्राइस 5% से कम कर देते हो, अगर आप सेलिंग प्राइस 5% से कम कर देते हो, अगर अपना सेलिंग प्राइस आप 5% से कम कर देते हो, एट प्रेजेंट कितने यूनिट्स बेच रहे हो आप 80,000, अगर सेलिंग प्राइस 5% से कम करते हो तो आपका जो क्वांटिटी सोल्ड है वो 10% से इंक्रीज होगा. अगर 5% इन सेलिंग प्राइस आप माइनस करते हो तो आपका जो क्वांटिटी है वो 10% से बढ़ जाएगा. 7% से माइनस करते हो तो 20% से बढ़ जाएगा, 10% से माइनस करते हो तो 25% बढ़ जाएगा. आपको ये बताना है, इवेल्युएट दीज ऑल्टरनेटिव एंड स्टेट विच ऑफ द ऑल्टरनेटिव ऑन प्रॉफिटेबिलिटी कंसिडरेशन शुड बी एडजस्टेड फॉर द फोर्थ. मीन्स कौन सा हमें लेना चाहिए, 1, 2 और 3. फ्रेंड पूरा सॉल्यूशन आपको दे रखा है अपने को पेज नंबर 4.3 पर, सॉल्यूशन बुक में पेज नंबर 4.3 आप जरा देख लीजिए. सॉल्यूशन बुक एंड दिस इज योर पेज नंबर 4.3. ओके, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रपोजल, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रपोजल, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रपोजल. कौन कौन से प्रपोजल है फ्रेंड्स अपने पास, प्रपोजल ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 1, 2, 3, क्वांटिटी. अब पहले आपका क्वांटिटी बिक रहा था 80,000, टू इंक्रीज बाय 10% आपका क्या हो जाएगा 88,000, देन 80,000 टू इंक्रीज बाय 20 मीन्स 96, और 80,000 इंटू
125%. It means 80,000 into 1.25 is 1 lakh units. ये आपका एक्सपेक्टेड क्वांटिटी हो जाएगा. ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड क्वांटिटी इनटू अगर आप रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस करते हो तो आपको क्या आ जाएगा फ्रेंड, दिस इज योर रिवाइज्ड सेल्स. What is the revised selling price? आपका old selling price क्या था friends? Old selling price था 50 rupees. लेकिन 5% आपको कम करना है तो multiply by 95%. 57% कम करना है multiply by 93%. 10% कम करना है multiply by 90%. It means 88,000 into 50 into 0.95 is 41,80,000. This is all figures in rupees. It means 96,000 into 50 into 0.93 is 44,64,000. Then 1 lakh into 50 into 0.9 is 45x less variable cost 88,000 variable cost minus हो जाएगा friends. What do you mean by variable cost? मैंने आपको बताया था ना lecture 1 में any expense which is increases or decreases into number of units. आपका variable cost क्या था, आपका variable cost था 20 rupees per unit. अब आपकी units कितनी बिक रही हैं, 88 96 and 1 lakh. So 88 96 and 1 lakh into 20 rupees per unit. आपको क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन 88 इंटू 20 17,60,000. 96 इंटू 20 19,20,000 और 20 lakhs. 4180 minus 1760 is 24,20,000. या डायरेक्टली अपन कंट्रीब्यूशन नहीं निकालें और डायरेक्टली फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर सकते हैं अपन करके ना. ये आपका आ गया वेरिएबल कॉस्ट एंड माइनस द माइनस फिक्स कॉस्ट. Fixed cost is 10 lakhs. 10 lakhs. ये आपका आ जाएगा proposed profit. Proposed profit is 4180 minus 60 minus 14,20,000. Then 4464 minus 1920 minus 1000 is 15,44. 4500 minus is 15 lakhs. ओके, और हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट क्या था फ्रेंड्स, प्रेजेंट प्रॉफिट अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 14 लाख.
प्रेजेंट प्रॉफिट अपने को क्या दे रखा है 14 लाख राइट ओके, तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 1,20,000, 1,44,000 एंड 1,00,000. इसका मतलब विच ऑप्शन इज बेटर, प्रेजेंट प्रॉफिट 14 और इस प्रपोजल को अपन मानते हैं तो अपना क्या होगा 15,44,000. तो हमारा प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा बाई 1,44,000. ओके, अपन ने क्या किया इसमें देखो जरा, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं. क्या किया अपन ने इसमें, सपोज अपना सेलिंग प्राइस 50, अपना वेरिएबल कॉस्ट क्या था, दिस इज 30. तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एज्यूम दिस इज x, तो ये 50x माइनस 20x 30x इक्वल टू 24 लैक्स, x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 80,000 यूनिट्स. एट प्रेजेंट आप कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं, ये मैंने सॉल्यूशन में x करके भी दिखाया है. ओके, ये 50x, ये 20x बचेगा 30x, 30x इक्वल टू 24 लैक्स, देन x इक्वल टू 80,000. 80,000 हमारा एट प्रेजेंट सेल हो रहा है, 80,000 प्रेजेंट हो रहा है, 80,000 एट प्रेजेंट हो रहा है. नाउ अगर हम इसको सेलिंग प्राइस को 5% से कम करते तो हमारा सेल 10% से बढ़ जाएगा, अगर हम 7% से कम करते 20% से बढ़ेगा, और 10% से कम करते तो व्हाट इज द रिवाइज सेलिंग प्राइस, ये आपका क्या आ जाएगा रिवाइज क्वांटिटी, रिवाइज सेल आ जाएगा आपका. दिस इज योर रिवाइज सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट इट मीन्स यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो तो दे रखा है. फिक्स कॉस्ट आपका रिमेन क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट. मैंने क्या बताया था, फिक्स कॉस्ट इज रिमेन कॉन्स्टेंट अप टू 100% कैपेसिटी. ये आपका क्या आ जाएगा प्रपोज्ड प्रॉफिट, ये आपका क्या आ जाएगा प्रेजेंट प्रॉफिट, और ये आपका क्या आ जाएगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट. तो ये दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग प्रपोजल. तो ये वाले ऑप्शन में हमको जाना चाहिए, ये वाले ऑप्शन में हमको जाना, 144 से हमारा बढ़ जाएगा. तो मैंने आपको सॉल्यूशन में क्या लिखा है, ऑल्टरनेटिव सेकंड शुड बी एडॉप्टेड. कौन सा एडॉप्ट करना चाहिए अपने को, सेकंड. तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर. अब आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कराता हूं फ्रेंड्स, इज ए एप्लीकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड इन कॉस्ट शीट. सॉल्यूशन पे आप जरा देखिए, मैंने दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल. याद है एक होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, अगर मेरी यूनिट्स 100 है, मेरा कॉस्ट 100 है, ये मेरी यूनिट्स, ये मेरा कॉस्ट, हमारा पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाएगा इस 1, यूनिट्स 101 है, 101 इज 1, 105 क्या हो जाएगा 1. इसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो. फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा कि मेरी यूनिट्स कितनी भी रहने दो यूनिट, क्योंकि मेरा कॉस्ट क्या रहेगा, मीन 100 है तो भी 1000 है, 200 है तो भी 1000 है, और 300 है तो भी 1000. उसके अलावा एक आ जाता है सेमी वेरिएबल, उसके अंदर सम पार्ट इज फिक्स सम पार्ट इज वेरिएबल, थोड़ा पार्ट फिक्स रहेगा एंड थोड़ा पार्ट उसका वेरिएबल रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट. उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, बोलो, इट इज ए सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ये आप जरा ध्यान दे देना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 28 एंड दिस इज योर क्वेश्चन बुक. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपका पेज नंबर 4.4 एंड दिस इज योर सॉल्यूशन बुक. क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 4.4 इज योर सॉल्यूशन बुक. सही आंसर परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए, परफेक्टली आपको प्रॉपरली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये आपका क्वेश्चन बुक, ये सॉल्यूशन है. देखिए जरा,
If factory manufactures a uniform type of article and has a capacity of 4000 units per week, please underline that capacity. Capacity कितना है अपना 4000 units. Capacity कितना है अपना 4000. इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, fixed cost, fixed expenses. Fixed cost is remain constant. Fixed expense remain constant up to 100% capacity. 100% मेरी capacity है 4000 units. The following information shows the different element of cost for the three consecutive weeks when the output has changed every week. पहला आपका units बना था 2000, दूसरे में 2800, तीसरे में 3700. Direct expenses. पहला है direct material. Direct material क्या है? 12000. 12000 को डिवाइड करो जरा 2000 से, क्या आएगा? इसका मतलब 12000 direct material अगर अपन को दे रखा है 12000 और unit produced क्या है अपनी 2000, इसका मतलब पर यूनिट क्या आएगा 6. अब देखो सेकंड में आपको दे रखा है 16800, 16800 डिवाइडेड बाय 2800, इट मींस योर 16800 डिवाइडेड बाय 2800 इज 6. देन आप आ जाइए 22200 एंड दैट यू डिवाइडेड बाय 3700. 22200 डिवाइडेड बाय 3700 आपका क्या आएगा, इसका मतलब दिस इज योर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल आपका क्या रहेगा 6. सिमिलरली इन केस ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर आपको देख लीजिए 6000 फॉर 2000 यूनिट्स, इट मींस 3 रुपीज पर यूनिट. देन 8400 डिवाइडेड बाय 2800, इट मीन्स 8400 डिवाइडेड बाई 2800 इज 3 रुपीज पर यूनिट. एंड देन 11100 डिवाइडेड बाई 3700, 11100 डिवाइडेड बाई 3700 इज 3. ये आपका क्या हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट. इसका मतलब पर यूनिट का कॉस्ट क्या है सेम, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड पार्टली वेरिएबल एंड पार्टली फिक्स्ड. फिक्स होता हर जगह सेम होता, वेरिएबल होता तो पर यूनिट सेम होता. देखो पर यूनिट सेम है क्या, 12500 देखो जरा, ये आपका क्या दे रखा है 12500 डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितने हैं आपके 2000, इट मींस 12500 डिवाइडेड बाय 2000 इज 6.25. ओके, देन 16500 डिवाइडेड बाय 2800, इट मींस 16500 डिवाइडेड बाय 2800 एंड दिस कम्स टू 5.89. इसका मतलब ये वेरिएबल भी नहीं है. वेरिएबल होता तो एग्जैक्टली जैसे ये 3 आया है, जैसे ये 6 आया है, ऐसे एग्जैक्टली क्या आएगा, एग्जैक्टली आपका आएगा सेम. सेम तो नहीं है, सेम नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑन नोट. फिक्स होता तो हर जगह सेम होता था, फिक्स होता तो हर जगह सेम होता. इसका मतलब इट हैज टू बी ए सेमी वेरिएबल. द फैक्ट्री हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 5000 यूनिट्स. इसका मतलब प्रोडक्शन हमारा कितना करना पड़ेगा अपने को 5000 यूनिट्स एंड डिजायर ए प्रॉफिट ऑफ 16 by 2/3, it means 16.67%. ठीक है, फाइंड आउट द प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी सोल्ड. तो पहला अपन ने निकाला, देखो डायरेक्ट मटेरियल तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि 12000 रुपीज फॉर 2000, तो 5000 के लिए कितना, ये आपका आ जाएगा 5000, ये आपका डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा. डायरेक्ट लेबर में आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6000 रुपीज फॉर 2000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स के लिए कितना होगा, ये आपका डायरेक्ट लेबर हो जाएगा. अब आपका आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, उसके लिए आप बना लीजिए नोट नंबर 1. तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं. पहला दिस इज योर सॉल्यूशन एंड नोट नंबर 1. ठीक है, नोट नंबर 1, then variable cost
per unit equal to x and fixed cost equal to y. It means क्या आपका यूनिट्स बन रहा है 2000x plus y equal to 12,000. Then 2800x plus y equal to 16,800. Y get cancelled. 800x equal to 4,800. Then 800x equal to फैक्ट्री ओवरहेड आपका था 2000 पे 12,500 और इस पे 16,500. इट मीन्स 4,000. ये क्लियर हुआ? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली अपने को दे रखा है, डायरेक्ट लेबर डायरेक्टली अपने को दे रखा है. मेन अपने को प्रॉब्लम कहां पे आएगा? ओनली इन फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओनली इन फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके, तो हम लोगों ने क्या अज्यूम किया? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू एक्स, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू वाई. सो 2000x प्लस वाई इक्वल टू 12,500. 2800x plus y equal to 16,500. It means 800x equal to 4,000. Then x equal to आपका आ जाएगा 5. इसका मतलब आपका variable cost per unit हो जाएगा 5 rupees. आपका variable cost per unit क्या हो जाएगा friends? 5 rupees. Then fixed cost कैसे निकालेंगे? It means fixed cost equal to 2,000 into 5 plus y equal to 12,500 and y equal to 2,500 and this is per week. But what is my maximum capacity? Ye jara dhyan rakhna, capacity per week is only 4,000 units. 4,000 यूनिट्स तक मुझे क्या लगेगा? ओनली 2,500. यही एक कैच था इसके अंदर एक ही एक कैच था, 2,000 into 5 plus y equal to 12,500 and then 2,500 will be my fixed cost. लेकिन fixed cost आपका कहां तक रहेगा? fixed cost आपका रहेगा ओनली पर वीक. पर वीक में आपका कितना प्रोडक्शन है? ओनली 4,000 यूनिट्स. आपका कितना है? 4,000 यूनिट्स. सही है सुना? पर वीक में आपका कितना प्रोडक्शन है? इजे 4,000 यूनिट्स. सही है सुना? इसका मतलब अब आपको कितने यूनिट्स बनाने हैं? आपको बनाने हैं 5,000 यूनिट्स. बराबर, आपके पास ऑर्डर कितने का है? 5,000. तो जरा ध्यान से रखिए, इट मींस 5 रुपीज पर यूनिट. ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ये आपका क्या हो गया? पर वीक 2,500. अब जरा आ जाइए, आपको क्या बनाना है? 5,000 यूनिट्स. वेरिएबल एंड फिक्स्ड. वेरिएबल 5,000 इंटू 5 25,000 रुपीज. फिक्स में आप जरा ध्यान रखना, अप टू 4,000 यूनिट्स आपका क्या लगेगा? 2,500 एंड बैलेंस 1,000 यूनिट्स के लिए भी आपको क्या लगेगा? 2,500. यहां पे मैक्सिमम, क्योंकि आपका 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर है ना फ्रेंड्स, एंड हमारी फुल कैपेसिटी है ओनली 4,000. ये जरा आप ध्यान रखना, यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करेगा. मेरे को 5 बनाना है लेकिन मेरी कैपेसिटी कितना है? जरा रीड करो क्वेश्चन को, क्या दे रखा है?
कैपेसिटी इज 4000 यूनिट्स, मेरा फुल 100% कैपेसिटी है, ओनली 4000 यूनिट्स। इसका मतलब 4000 के लिए 2500, और 4 से क्रॉस हुआ तो वापस अनदर 4 के लिए भी मेरे को क्या लगेगा, 2500, लेकिन अनदर हम कितना बना रहे हैं, 1000 आपका टोटल। इसका मतलब आपका टोटल आएगा कॉस्ट 25 वेरिएबल कॉस्ट प्लस 2500 फिक्स कॉस्ट प्लस 2500 फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट विल बी 30,000। आपका टोटल कॉस्ट आएगा 30,000 ऑफ रुपीज। ये आपको क्लियर हुआ कि सारा कैलकुलेशन मैंने आपको सॉल्यूशन बुक में 4.4 में दे रखा है। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप जरा पूरा ध्यान दीजिएगा। सही है, सुनो, आपका टोटल कॉस्ट क्या आएगा, इजे 30,000 रुपीज। आपका टोटल कॉस्ट क्या आएगा, 30,000 ऑफ रुपीज। ठीक है, अब इसके बेस पे हम लोग क्या बना सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। ओके, देखो इट मींस योर फाइनल आंसर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। What is the production? Production is 5000 units total per unit. First is a direct material. डायरेक्ट मटेरियल कितना था फ्रेंड्स, बोलो 12,000, व्हेन द यूनिट्स इज 2000, इफ द यूनिट्स इज 5000, आपका क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय दिस 6 रुपीज पर यूनिट। देन डायरेक्ट लेबर 6000 डिवाइडेड बाय 2000 into 5000 is 15,003 rupees per unit. There is no direct expense. इसके लिए क्या बन जाएगा आपका prime cost of 45, prime cost of 9, then indirect cost is your factory overhead। नोट वन निकाला था ना अपन ने फ्रेंड्स, ये निकाला था ना, दिस इज योर नोट नंबर वन कंटिन्यू, यहां से अपन किया था नोट नंबर वन स्टार्ट, ये नोट नंबर वन कंटिन्यू। ओके, ठीक है, अब आपका आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड कितना था फ्रेंड्स आपका 30,000। Factory cost 75,615, charge profit 75, क्या बोल रहा है प्रॉफिट 16 टू थर्ड ऑन सेलिंग प्राइस 16.67 डिवाइडेड बाय 83.33। वाई, सपोज अगर आपका सेलिंग प्राइस है 100, मेरा प्रॉफिट है 16 2/3, इट मीन 16.67%, इसका मतलब बाकी का बचेगा कॉस्ट इज 83.33%। ओके, तो 75 into 16.66666 डिवाइडेड बाई 83.33।
is 15,000. Rupees. Sales 90,000 and 18 rupees per unit. आप मुझे बताइए फ्रेंड्स, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक एक पार्ट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या हम लोगों ने बनाया 5000, ये तो डायरेक्ट अपने को दे ही रखा है, ये डायरेक्ट अपने को दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट निकाल लिया, फैक्ट्री ओवरहेड नोट नंबर 1 अपन ने बनाया था, और प्रॉफिट अपने को डायरेक्टली दे ही रखा है। ये हम कहां चल रहे हैं, जस्ट आपको सिखाया जा रहा है एप्लीकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आपका बेस मुझे एकदम तगड़ा करना है करके ना, आपका जो बेस पार्ट है वो मुझे एकदम तगड़ा करना है। एक एक क्लियर आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि नहीं यार, आपको मजा आना चाहिए कि नहीं सर एकदम मजा आ गया, सही है सर, परफेक्टली क्लियर होना, ठीक है। तो आगे अपन बढ़ते हैं, सेम एप्लीकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड में यू जस्ट रिफर योर क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 28 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, ओके। और इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 4.5 इज फ्रॉम सॉल्यूशन बुक, ये आपका क्वेश्चन बुक है, ये आपका सॉल्यूशन बुक, सही है सर, पेज नंबर 28, ठीक है। एक एक पार्ट करके देखेंगे फ्रेंड्स अपन। ए फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस 60,000 यूनिट्स पर एनम एट इट्स ऑप्टिमम ऑफ 100% कैपेसिटी, इसका मतलब कितने यूनिट्स बना सकती है, 60,000 एट 100% कैपेसिटी। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन आर इज अंडर, डायरेक्ट मटेरियल अपने को दे रखा है 3 रुपीज, तो जो भी प्रोडक्शन होगा मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। डायरेक्ट लेबर 2 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर जो भी अपन को दे रखा है दिस इज 2 रुपीज पर यूनिट, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लफड़ा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 3 तरह का है, एक है फिक्स्ड, फिक्स्ड है 1,50,000, वो तो फिक्स का फिक्स लगेगा कितनी भी यूनिट्स आप बनो। वेरिएबल उसने बोला है 5 रुपीज पर यूनिट, तो जो भी यूनिट्स होगा मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। सेमी वेरिएबल 50,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंस 10,000 फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन द कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। सेमी वेरिएबल में बोल रहा है कि भाई आपको 50,000 पर एनम लगेगा अप टू 50% कैपेसिटी, अगर 1% भी बढ़ गया तो अनदर 25 के लिए वापस से आपको लगेगा 10,000 और रिमेनिंग 25 के लिए आपको क्या लगेगा 10,000, लेकिन अगर एक पार्ट भी बढ़ गया तो भी आपको 10,000 रुपीज पूरा देना पड़ेगा। द फैक्ट्री प्रोड्यूसर्स ओनली अगेंस्ट ऑर्डर एंड नॉट फॉर ओन स्टॉक, इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री इज इंडिकेटेड बिलो एंड द मैनेजमेंट डिजायर टू एंश्योर ए प्रॉफिट ऑफ 1 lakh, वर्क आउट द एवरेज सेलिंग प्राइस of which unit should be quoted. First 3 months आपका 50% of the capacity और remaining 9 months आपका 80% capacity. इसका मतलब दो तरह से production होगा, first 3 months 50% capacity, remaining 9 months 80% of the capacity, और आपको क्या बनाना है cost sheet. बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन question है, आप जरा ध्यान से देखिए तो आपको, what do you mean by cost sheet, it is a statement, what do you mean by cost sheet, it is a statement which is showing, what do you mean by cost sheet, it is a statement which is showing total cost of production as well as unit cost of production, what do you mean by cost sheet, it is a statement which is showing total cost of production as well as unit cost of production, barabar uske liye total cost of production divided by unit, to sabse pehle humko kya chahiye unit, ab aap aa jaiye friends, this is your note number 1, प्रोडक्शन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स,
What is your capacity? 60,000 into 50% into 3/12. ये फर्स्ट थ्री मंथ में, एंड 60,000 इंटू 80% इंटू 9/12. इट मीन्स 60,000 इंटू 50% इंटू 3/12. 7500. 60,000 into 80% into 80% into 9/12 is 36,000. 7500 plus 36,000 is 43,500. ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ 43,500, 60,000 यूनिट्स 50% 3/12, 60,000 80% 9/12, 36,7500, 43,500, ये आपका क्या हो जाएगा? इज ए प्रोडक्शन. सही है सो नो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर. आपका जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन कितना होगा? 43,500. अब आ जाइए फ्रेंड्स आप नोट नंबर टू. ओके, फैक्ट्री ओवरहेड, जो सेमी वेरिएबल वाला पार्ट है वो अपन देख लेते हैं. फैक्ट्री ओवरहेड एक आपको दे रखा है फ्रेंड्स वेरिएबल, फोर्टी थ्री फाइव हंड्रेड इंटू फाइव. 43,500 इंटू फाइव इज 217,500. फिर आपका आएगा फिक्स्ड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आपका आएगा 1,50,000. वो आपको दे ही रखा है, अप टू 100% कैपेसिटी आप कुछ भी बनाइए. देन आपका आता है सेमी वेरिएबल. सेमी वेरिएबल में आपका सेमी वेरिएबल एक्सपेंस में आपका आ जाएगा फ्रेंड्स, बोलो क्लियर और नोट. फिफ्टी थाउजेंड अप टू 50% कैपेसिटी, 50 to 75% कैपेसिटी 60,000, 75 to 100% कैपेसिटी 70,000. ये 50% कैपेसिटी हम लोगों ने कितने महीने यूज किए? द फर्स्ट थ्री मंथ्स ऑफ द ईयर 50% ऑफ कैपेसिटी, इट मीन्स 3/12. 50,000 इंटू 3/12 इज 50,000. 50,000 इंटू 3/12 इज 12,500. ये वाली कैपेसिटी यूज नहीं किया. फिर 80% यूज की है 9 months. 9/12. It means 60,000 into 9/12 is 45. 70,000 into 9/12 is 52,500. 52,500 plus 12,500 is 65. 12,500 ये वाला प्लस
52,500 means 12,500 plus 52,500 is 60. Yeah. और टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आपका हो जाएगा 217,500, 150 एंड 65. इट मीन्स 217,500 प्लस 150 प्लस 65. 217,500 प्लस 150 प्लस 65 इज 432,000. ये दिस इज द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड. क्या किया फ्रेंड्स हम लोगों ने, सबसे पहले निकाला प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद बाकी के एक्सपेंसेस तो डायरेक्टली रिलेटेड है. डायरेक्ट मटेरियल है तो 3 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई 43,500 कर देंगे. डायरेक्ट लेबर 2 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई ये कर देंगे. इनडायरेक्ट में फिक्स्ड ओवरहेड आपको 150 दे ही रखा है, वेरिएबल ओवरहेड 5 रुपीज पर यूनिट अपने को दे ही रखा है, बराबर. डायरेक्टली कर मेन अपने को प्रॉब्लम आएगा सेमी वेरिएबल 50,000 अप टू 50% कैपेसिटी 60, 50 टू 75, 70, 75 टू 100. दिस इज 12,500, दिस इज 52,500, 12,500, 52,500 एंड दिस कम्स टू 65. सो 217,500 इज ए वेरिएबल, 150 इज ए फिक्स एंड 65 सेमी वेरिएबल टोटल आपका. अब आपका एकदम से यही तो जान था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो जान था वो यही था करके ना, क्वेश्चन के अंदर जो जान दे रखी है वो यही है. तो मैं आपको इस वाले पार्ट में पूरा सेमी वेरिएबल ओवरहेड वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करवा देता हूं. एप्लीकेशन मत सेमी वेरिएबल, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह आएगा तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है. ये आपका हो गया नोट नंबर 1 से या सुनो. ठीक है, अब इसके बेस पे हम लोग बना सकते हैं कॉस्ट सी. फॉर्मेट आपको सेम फॉलो करना है, इट मीन्स दिस इज योर फाइनल आंसर. दिस इज योर फाइनल आंसर. क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट. स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट. प्रोडक्शन नोट नंबर 1 बराबर 43,500. टोटल पर यूनिट डायरेक्ट कॉस्ट 1, डायरेक्ट मटेरियल 2, डायरेक्ट लेबर 5. कॉस्ट व्हाट इज द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 3 रुपीज पर यूनिट. What is the direct labor cost? 2 rupees per unit. 43,500 into 3 is 1,30,500. 43,500 into 2 is 87,000. 130,500 plus 87 is 217,500 and this comes to 5 rupees per unit. Then second is your indirect cost
इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स रेफर नोट नंबर 1 अभी अपन ने निकाला 432 500 इट मीन्स फैक्ट्री कॉस्ट 432 500 इज 650 ओके एंड देन यू चार्ज ए प्रॉफिट ऑफ 1 lakh प्रॉफिट ऑफ 1 lakh आपका सेल्स हो जाएगा 7,50,000 इट मीन्स 432 500 डिवाइडेड बाय 43,500 इज 9.94 + 5 40.94 1 lakh divided by 43,500 is 2.3 and 7,50,000 divided by 43,500 will be 17.24. इसके अंदर जो मेन जो आपका रोल है दैट इज व्हाट ओनली फैक्ट्री ओवरहेड ये इसी के आपके मैक्सिमम मार्क्स अगर स्टेप्स में रहेंगे स्टेप मार्किंग रहेगा तो मैक्सिमम मार्क्स आपको एक बार मेरे को एक स्टूडेंट ने पूछा था ऐसे ही मजाक में सर कॉस्टिंग में स्टेप मार्किंग रहता है क्या स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं मैं बोला भाई ये डांस क्लास थोड़ी है जो स्टेप के मार्क्स मिलेंगे आप सही लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे नहीं लिखोगे तो नहीं लेकिन ऐसा नहीं है स्टेप मार्किंग रहता है आपका जो मैक्सिमम अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम मार्क्स आपके कैरी करेगा ये वर्किंग और ये वाले नोट से आपको ये प्रेजेंटेशन से पता चलेगा कि यू आर फ्रॉम दानी कॉस्टिंग आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको एग्जामिनर दे देगा बोलेगा आई डोंट वांट टू चेक द कॉपी ऑफ प्रोफेसर दानी संसार में जिनका इतना नाम है जैसे मोम की मोम होती है नानी लाइफ के लिए जरूरी है पानी ऐसे कॉस्टिंग में प्रोफेसर दानी प्लीज कमेंट करिए फ्रेंड्स आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको परफेक्टली मतलब एक एक पार्ट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सेमी वेरिएबल ओवरहेड का आपको एक एक पार्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कौन कौन से मेथड से बताओ जरा फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था पहला साइमल्टेनियस इक्वेशन दूसरा चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन तीसरा हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट एक पार्ट आपको और कराता हूं तो आपका सेमी वेरिएबल का मैक्सिमम कवरेज आपको मैं दे देता हूं सही है सर मैक्सिमम कवरेज ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड अब आप आ जाइए फ्रेंड्स योर क्वेश्चन नंबर 3 आप जरा देख लीजिए काफी अच्छा क्वेश्चन है फाइनल्स ईयर में कई बार पूछा हुआ है मैंने इसको इसके लिए लिया है क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है फाइनल्स ईयर में पूछा हुआ है दिस इज योर नोट नंबर 3 एंड पेज नंबर 29 फ्रॉम योर क्वेश्चन बुक से नोट नंबर 3 पेज नंबर 29 और सॉल्यूशन में है क्वेश्चन नंबर 3 एंड पेज नंबर 4.6 सॉल्यूशन बुक में है पेज नंबर 4.6 एंड क्वेश्चन में है आपको पेज नंबर 29 पे आप जरा देख लीजिए द कंपेरेटिव प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ टू क्वार्टर्स ऑफ ए फर्म इज गिवन बिलो आपको एज अंडर आपको दे रखा है पहले क्वार्टर में आपने क्वांटिटी सोल्ड किया 2500 सेकेंड में 3750 डायरेक्ट मटेरियल 87500 डायरेक्ट वेजेस 62500 फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इसका मतलब उसने अपने आप ही बोल दिया है कि दिस इज ए फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड सेल्स आपको दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है इन द सेकेंड क्वार्टर द डायरेक्ट मटेरियल प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाई 20% इन द सेकेंड क्वार्टर द डायरेक्ट मटेरियल प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाई 20% देर वॉज ए सेविंग ऑफ रुपीज 5000 इन द फिक्स्ड ओवरहेड देर वॉज ए सेविंग ऑफ रुपीज 5000 इन सेकेंड क्वार्टर
in second quarter to maintain the same amount of profit per unit as in the first quarter. Determine the quantity. क्या बोल रहा है? In the second quarter, the direct material price has increased by 20%. There was a saving of 5,000 in fixed overhead. हाँ, ध्यान रखना. Underline that. There was a saving of 5,000 rupees in the fixed overhead in the second quarter. The other cost and the selling price remain the same. In the second quarter, direct material को आपको increase करना है 20% से direct material को, ठीक है? और क्या बोला है? In the second quarter, the direct material price has increased by 20%. There was a saving of 5,000 rupees in fixed overhead. In the second quarter, the other cost and the selling price remain the same. Other cost selling price same है. ये 5,000 का saving है, तो minus हो जाएगा. ये 20% से बढ़ जाएगा. Determine the quantity that should have been sold in the second quarter to maintain the same amount of profit per unit as in the first quarter. आपको क्या चाहिए? Determine the quantity that should have been sold. ऐसा quantity आपको बताना है जिसके ऊपर जो previous quarter में, first quarter में आपको profit आया था. First quarter में आपको profit क्या आया था? 50,000 आपको profit है. 2500 units sold है. It means 50,000 divided by 2500 आपका 20 rupees per unit. 20 rupees per unit का आपका क्या आ जाएगा friends? 20 rupees per unit आपको profit आना चाहिए. इसका मतलब second quarter में हम कौन सी unit सेल करें कि जो हमें first quarter में profit हो रहा था 20 rupees per unit, वही profit हमको यहाँ पे चाहिए. सही है सर, perfectly clear होना. सही है सर, perfectly clear होना. ठीक है, स्टार्ट करें. पहले वन बाय वन पहले गिवन करके लिख लेते. अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कभी कभी अगर आपको ऐसा लगेगा इस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो नजर उठा के देखने का क्लास में, आपको लगेगा हम साथ साथ हैं, राइट? देन यू स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड. ओके, आपको कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में होना बहुत जरूरी है. ओके, तो पहले गिवन करके आप लिख लो. टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट्स अपने को पहले दे रखा है फ्रेंड्स. ओके, और सेकेंड क्वार्टर में हम लोगों ने बनाया है 3750 units. सही है सुनो फ्रेंड्स. ऑल राइट, सबसे पहले आप आ जाइए डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट. इट मींस 87500 डिवाइडेड बाय 2500. गो आराम से एकदम एक एक कंसेप्ट को क्लियर करिए. कवर नहीं दिख रहा है ना. क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर एंड प्रोडक्शन. क्या दे रखा है? प्रोडक्शन 2500 units, 3750 units. ओके, इट मींस 87500 डिवाइडेड 2500 इज 35. सही है सर फ्रेंड्स. डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट 62500 डिवाइडेड बाय 2500 इज 25.
factory overhead, fixed and variable. It means fixed, therefore note number 1, variable, refer note number 1. Say yes. ठीक है, देन आप आ जाइए सेल्स. सेल्स प्राइस पर यूनिट इज 275 डिवाइडेड बाय 2500. 275 divided by 2500 is 110. Profit per unit is 50,000 divided by 2500. It is 50 divided by 2500 is 20. यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? द कंपेरेटिव प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ टू क्वार्टर्स. दिस इज योर क्वार्टर वन, दिस इज योर क्वार्टर टू. क्वार्टर वन फ्रेंड्स एंड क्वार्टर टू. क्वार्टर वन में यूनिट सोल्ड है 2500, इसका मतलब प्रोडक्शन एंड यूनिट सोल्ड इज सेम 3750. यूनिट सोल्ड डायरेक्ट मटेरियल आपको दे रखा है 87500. 87500 यूनिट्स आपके 2500 35. देन डायरेक्ट वेजेस 62500 divided by 2500 इज 25. ओके, देन फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड इनको पता नहीं है. सेल्स अपने को दे रखा 275 divided by 2500 इज 110. प्रॉफिट अपने को दे रखा 50,000 2500 इज 20. यहां तक आपको क्लियर हुआ है? एक एक पॉइंट आपको मेरे को, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट शीट में आपका एक एक कंसेप्ट, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है, मतलब आपका पूरा जान है अप टू सीए फाइनल, सीएस, सीएमए, कुछ भी आप करोगे कॉस्ट शीट तो आएगा ही आएगा हर जगह लाइफ में. आप कॉस्टिंग के बिना, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये कॉस्टिंग रहने वाला है. इन द सेकेंड क्वार्टर, इन द सेकेंड क्वार्टर द डायरेक्ट मटेरियल प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 20%. इसका मतलब 35 into 120%, या फिर अपन ये भी ले सकते हैं 35 plus 20% of 35 7 is 42, या 35 into 120% is 35 into 120%. 35 into 120% is 42. Then आप आ जाइए friends direct wages. There was a saving of 5000 in fixed overhead. क्या बोल रहा है? In the second quarter the direct material price has increased by 20%. There was a saving of 5000 in fixed overhead. तो जो भी आपका fixed overhead आएगा उसमें 5000 का saving आ जाएगा. Okay. या अगर आपको मटेरियल ऐसे निकालना है 35 20% ऐड कर दो, आपको क्या आ जाएगा 42. सही है, सुनो, सही है, सुनो. यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए. ठीक है, अब आ जाइए आप फिक्स हो. द अदर कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन द सेम. सेलिंग प्राइस आपका क्या रहेगा 110. अदर कॉस्ट आपका सेम है, इसका मतलब ये क्या रहेगा आपका 25 पर यूनिट. ठीक है, पर यूनिट 25. द अदर कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस डिटरमाइन द क्वांटिटी दैट शुड हैव बीन सोल्ड इन द सेकेंड क्वार्टर टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, इट इज ए सेमी वेरिएबल. तो सेमी वेरिएबल का अपन क्या करते थे, दिस इज योर नोट नंबर, नोट नंबर वन ही अपना कंटिन्यू हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आप ले लीजिए. सपोज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू एक्स, fixed cost equal to y. It means
2500 x प्लस वाई इक्वल टू आपको दे रखा है 75,000। लास्ट क्वार्टर का आपको दे रखा है 2500 आपका प्रोडक्ट हुआ है प्लस वाई इक्वल टू, और इस बार आपको बोल रहा है 3750 x प्लस वाई, वाई में दे दीजिए सेविंग ऑफ 5000 इक्वल टू 95,000। इट मींस 3750 x प्लस वाई इक्वल टू 5000 इधर चला जाएगा इज ए 1,00,000। सही है सर, इज 1,00,000। बोलो वाई, वाई गेट कैंसिल, इट मींस 1250 x इक्वल टू 25,000 एंड x इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाय 1250 इज 20। आपका फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 2500 इंटू 20 प्लस y इक्वल टू 75,000 एंड y इक्वल टू 25,000। सब कुछ आपको नोट्स दे रखा है, आप प्रॉपरली यहां पे ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है फ्रेंड्स अपने को। बोलो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू x, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू y, ओके। सो 2500 था इनटू x प्लस y कांस्टेंट इक्वल टू 75,000 अपने को दे रखा है। 3750 x माइनस 5 y में से 5000 का सेविंग है 95,000। 3750 x प्लस y इक्वल टू 1,00,000, 1250 25, सो x इक्वल टू 20, 2500 इंटू 20 प्लस y इक्वल टू 75 एंड y इक्वल टू 25,000। ओके, इसका मतलब आपका हो गया फिक्स इज 25 एंड वेरिएबल 20 रुपीज पर यूनिट। फिक्स्ड आपका हो जाएगा 25 माइनस 5 इज 20 एंड वेरिएबल इज 20 रुपीज पर यूनिट। यहां तक आपको क्लियर हुआ? इफ यू वॉन्ट यू कैन वेरीफाई ऑल्सो योर आंसर, अगर आपको वेरीफाई करना है। देखो नेक्स्ट क्वार्टर में आपकी कितनी यूनिट्स बनी है, 3750, सो 3750 को 37, अगर आपको वेरीफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर आपका सेकेंड क्वार्टर में कितनी यूनिट्स बनी है, 3750 इंटू 20 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल, 3750 इंटू 20 इज 75 प्लस फिक्स्ड ओवरहेड 20 और मिलके आपका हो जाएगा 95,000 जिस इन द सेकेंड क्वार्टर का पोजिशन। सेकेंड क्वार्टर में आप कैसे वेरीफाई करेंगे वो आप जानते हैं। सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हो, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आप मुझे बताएं। एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द क्वांटिटी दैट शुड हैव बीन सोल्ड इन द सेकेंड क्वार्टर टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट एज वाज इन फर्स्ट क्वार्टर में आपका प्रॉफिट क्या था, 20 रुपीज पर यूनिट, वही प्रॉफिट उनको यहां पे भी चाहिए 20 रुपीज पर यूनिट। तो कितना क्वांटिटी सेल करना पड़ेगा, व्हाट इज द क्वांटिटी दैट शुड हैव बीन सोल्ड, what is the quantity that should have been sold to get a profit of 20 rupees per unit? ठीक है, सिंपल है, 20 सब तो हमारे पास तो आ गया, सब डिटेल्स तो है हमारे पास, हम लोगों ने क्या ले लिया, this is suppose, so let the sales कैसे निकालेंगे, number of units equal to x, आपका सेल्स क्या हो जाएगा, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस इन द सेकंड क्वार्टर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज सेम, इट मींस 110x डिवाइड, ठीक है 110x पहला,
variable cost and then you take contribution divided into fixed cost and profit. बराबर, अब वेरिएबल कॉस्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल 42 निकाला था अपन ने, डायरेक्ट मटेरियल इंक्रीज हुआ 42, डायरेक्ट लेवल 25, वेरिएबल ओवरहेड 20, डायरेक्ट लेबर 25, दिस इज ऑल पर यूनिट. बराबर, वेरिएबल ओवरहेड इज 20, ये मिलके हो जाएंगे 42 25 20 is 87x. तो कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा 110 माइनस 87 इज 23x. प्रॉफिट आपको चाहिए 20x, जो लास्ट क्वार्टर में था. व्हाट वाज द प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर? 20, तो वही हमको 20 चाहिए, 20x. एंड माय फिक्स कॉस्ट इज 20,000. Yes, it is your 110 x equal to 87x plus 20,000 plus 20x. It means 3x equal to 20,000 and your x equal to 6666.6666666666, or you can write 6666.67. अगर आप ये यूनिट बेचते हो, ये यूनिट अगर आप बेचते हो, आपको एग्जैक्टली प्रॉफिट होगा 20 रुपीज पर यूनिट. अगर आप इसको कॉस्ट शीट बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपका प्रॉफिट आ जाएगा 20 रुपीज पर यूनिट. सही है सर, अगर आप ये यूनिट बेचते हो तो एग्जैक्टली आपको प्रॉफिट आ जाएगा 20 रुपीज पर यूनिट. एग्जैक्टली आपको प्रॉफिट आएगा 20 रुपीज पर यूनिट. So that is the end of your application of semi-variable overhead. Application of semi-variable overheads. Application of semi-variable overheads. Say yes or no. Application of semi-variable overhead. अब आपको इसके बेस पे एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ. ये क्लियर हुआ ना फ्रेंड्स? Am I going fast? बराबर सेल्स हम लोगों ने एज्यूम किया, सेलिंग प्राइस हमारा है ही, देन वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल लास्ट टाइम जो था उससे 20% बढ़ा के लिया हम लोगों ने, तो ये आ गया हमारा 42. 35 था, 35 पर 20% बढ़ा के लिया. फ्रेंड्स दिस इज द बेस्ट पार्ट, सेमी वेरिएबल ओवरहेड में अच्छा अच्छा हिल जाता है. ये मैंने क्यों आपको तीन क्वेश्चन कराए, ताकि आपको सब पूरा बराबर से आ जाए, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए, इसके लिए मैं ये आपको करा दू. सही है, ऑलराइट. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 30 इज फ्रॉम क्वेश्चन बुक. क्वेश्चन नंबर 5 4.7 एंड 4.7. परफेक्टली क्लियर. आप देखेंगे, फॉलोइंग इज द समरी ऑफ ट्रेडिंग रिजल्ट्स
of a company selling of electrical applications for the year ended 31st December 2016, during which 80,000 units were sold. ये कभी का पोजीशन है आपका 31st 12 2016. कितनी यूनिट्स हम लोगों ने बेची है? 80,000 यूनिट्स हम लोगों ने बेची थी. और उसकी इंफॉर्मेशन इन लैक्स में दे रखा है. मटेरियल आपको दे, सेल्स इसका मतलब 96 लैक्स में आपने सेल्स किया था और नंबर ऑफ यूनिट्स आपने बेच दी 80,000. तो आपका एक यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? 120. डायरेक्ट मटेरियल 36 लैक्स, डायरेक्ट लेबर 15 लैक्स, इनडायरेक्ट अदर कॉस्ट. टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग मैटर्स, प्रिपेयर अ समरी ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर द फॉलोइंग ईयर. सेलिंग प्राइस इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 7.5. इट मींस लास्ट टाइम आपका सेलिंग प्राइस था 120, 7.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 112.5. सेल्स वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 40%. इसका मतलब लास्ट टाइम आपने 80,000 यूनिट्स बेची थी, अभी 40% और बढ़ जाएगा 32. इट मींस इस बार आप यूनिट्स कितना सेल करोगे? 1,12,000. सप्लायर हैव एग्रीड टू गिव ए डिस्काउंट 5% ऑन ऑल परचेज. ठीक है, जो भी सप्लायर का आएगा मटेरियल उस पर यू विल गेट ए डिस्काउंट ऑफ 5%. डायरेक्ट वर्कमैन आर टू बी पेड इंसेंटिव बोनस 2% इन ऑर्डर टू स्टिम्युलेट द प्रोडक्शन. ओके, डायरेक्ट लेबर को आपका जो भी डायरेक्ट लेबर आएगा उस पर आपको बोनस भी देना है एंड 2%. इनडायरेक्ट लेबर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर. इनडायरेक्ट लेबर आपका सेम रहेगा. अदर कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख रुपीज कंसिडर्ड एज ए फिक्स. अब आपका अदर कॉस्ट है टोटल 18 लैक्स. 18 लैक्स में से 3 लैक्स आपका रेंट है फिक्स्ड. इसका मतलब 15 आपका क्या हो जाएगा? इज ए वेरिएबल. 3 लैक्स कंसिडर्ड फिक्स्ड एंड एडिशनल एक्सपेंस ऑफ 1 लैक विल अराइज ड्यू टू द रेंट रेस्पेक्टिव एक्सटेंशन टू द फैक्ट्री. इसका मतलब 1 लैक का और हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये 15 लैक्स फॉर 80,000 यूनिट्स. तो व्हाट इज द करेंट प्रोडक्शन? यू आर एज्यूम दैट नो WIP. ठीक है, पहले हम इसका बना लेते हैं फ्रेंड्स ऑल वर्किंग नोट्स. ऑल इसके वर्किंग नोट्स हम लोग बना लेते हैं. नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, 3, 4. ओके, आप जरा देखें वन बाय वन. वापस से आई विल रीड द क्वेश्चन. दिस इज योर नोट नंबर 1. कॉस्टिंग के अंदर आपका वर्किंग नोट इज मस्ट. आपका जो वर्किंग नोट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ ए कंपनी सेलिंग ऑन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016, ड्यूरिंग विच 80,000 यूनिट्स वर सोल्ड. ओके, इसका मतलब आपका प्रेजेंट यूनिट्स सोल्ड इक्वल टू 80,000. ओके, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इट मींस एट प्रेजेंट 96 लैक्स डिवाइडेड बाय 86,000. 96 लैक्स डिवाइडेड बाय 80,000 इज 120. सेलिंग प्राइस इज टू बी रिड्यूस्ड, इट मींस रिड्यूस्ड बाय 7.5. इट मीन्स 120 लेस 7.5 आपको आएगा 112. दिस विल बी योर रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस. सेल्स वॉल्यूम एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 40%. इट मीन्स रिवाइज्ड वॉल्यूम विल बी 80,000 into 140%. So this comes to
80,000 into 1.4 is 112,000 units. See here. So your revised sales in rupees will be 112,000 units into 112.5. 112 into 112.5 is 1,26,00,000. ये आपको क्लियर हुआ था? 96 लाख, 80,000, 120. लास्ट टाइम आपका 80,000 का सेल था, रिड्यूस्ड बाय 7.5. रिवाइज सेलिंग प्राइस आपका ये हो जाएगा, रिवाइज वॉल्यूम 80,000, 140%, 112,000. रिवाइज सेल्स विल बी आपका 1,26,00,000. सही है सर? ये आपको नोट नंबर 1 मेरा क्लियर हुआ कि नहीं बताइए. एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए. पॉइंट नंबर 1 आपको मेरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सेलिंग प्राइस रेड्यूस बाई 7.5, ये हम लोगों ने ले लिया. सेल्स वॉल्यूम एक्सपेक्टेड इंक्रीज 40%. नाउ कम टू नोट नंबर 2. दिस इज योर नोट नंबर 2 इज ए डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल्स. व्हाट इज द डायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल इज 36 लाख फॉर 80,000, और इस बार हमारा प्रोडक्शन हो रहा है 112,000 यूनिट्स. सही है सर? इट मींस 36 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू 112 इज 50,40,000. 50,40,000, एंड देन देयर इज ए डिस्काउंट. व्हाट इज द डिस्काउंट? इज क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स? सप्लायर हैव एग्रीड टू गिव ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन ऑल परचेजेस. 5%, इट मींस 5% ऑन 50,40,000. 50,40,000 का 5% इज 252. माइनस 50,40,000 इज 47,88,000. सही है सुनो फ्रेंड्स, दिस इज योर नोट नंबर 2. देन यू गो टू नोट नंबर 3. ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल लास्ट टाइम कितने का यूज हुआ था? 36 लाख का दे रखा है आपको. व्हेन द यूनिट्स 80,000, 1,12,000, इट मीन्स 50,40,000. लेकिन इस बार देर इज ए डिस्काउंट फैसिलिटी 5%, माइनस होके और आपका आ जाएगा ये. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर आपको कितना दे रखा है? 15 लाख. व्हेन द यूनिट्स is 80,000, और इस बार यूनिट है आपकी 1,12,000. इट मीन्स 15 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू 112 इज 21 लाख. एंड देन सप्लायर डायरेक्ट वर्कमैन 2%. क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट वर्कमैन आर टू बी पेड एन इंसेंटिव बोनस 2% इन ऑर्डर टू सिमुलेट द प्रोडक्शन. बोनस 2%, बोनस आपको, दिस इज 2.5% है. दिस इज नॉट 2%, दिस इज 2.5%. दिस 2.5%, इट मीन्स 21 लाख into 2.5% is 21,52,500.
डायरेक्ट लेबर आपको क्या दे रखा है 15 लाख फॉर 80,000, तो 1,12,000 के लिए 21, एंड बोनस बोल रहा है 2.5%, आपका 2.5% आपका बोनस है, आपको ये हो जाएगा, सही है सर, ठीक है। नोट नंबर 3, देन यू गो टू योर नोट नंबर 4, डायरेक्ट लेबर आपको दे रखा है फ्रेंड, ओके। देन इनडायरेक्ट लेबर नॉट गोइंग टू चेंज, दिस इज योर इनडायरेक्ट लेबर इज ए फिक्स्ड, इनडायरेक्ट लेबर इज फिक्स्ड, आपका क्या रहेगा 6 लाख का 6 लाख, इनडायरेक्ट लेबर बोला है ना उन्होंने, इनडायरेक्ट लेबर क्या बोलेगा फिक्स्ड, इनडायरेक्ट लेबर, ओके। एंड देन यू गो नोट नंबर 5, अदर कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹3 lakhs, ओके, अदर कॉस्ट में क्या बोला, अदर कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹3 lakhs विच इज कंसिडर्ड फिक्स, रेंट आपका क्या है फिक्स्ड, कितना दे रखा है 3 लाख, बाकी का क्या हो जाएगा वेरिएबल, टोटल अदर कॉस्ट है अपना 18 लाख, 18 लाख इज फॉर 80,000, उसमें से ये निकल जाएगा ना फ्रेंड्स, 15 ही बचेगा ना, ये दिस इज 15 लाख इज फॉर 80, तो 1,12,000 के लिए कितना, इट मींस 15 लाख इज फॉर 80, तो 1,12,000 के लिए कितना 21 लाख, और इसमें क्या बोल रहे हैं 3 लाख फिक्स, एंड एडिशनल एक्सपेंस ऑफ ₹1 lakh will arise due to the rent in respective extension, 1 lakh rupees का extension हम लोग कर रहे हैं, उसका rent अपने को और लगेगा, it means ये क्या हो जाएगा आपका 4 lakh, so 4 lakh plus 21 lakh, आपको total क्या हो जाएगा friends, 4 plus 21 is 25 lakh, सही है सर, 4 लाख रुपीस, 21 लाख रुपीस, ये आपका क्या हो जाएगा 25 लाख। अदर कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख विच इज कंसिडर्ड फिक्स, एंड एडिशनल एक्सपेंस ऑफ ₹1 lakh विल अराइज ड्यू टू द रेंट एक्सपेंडेड, टोटल आपका 18 है, 18 में से 3 आपका फिक्स था, बराबर है, ये आपका फिक्स था, 15 आपका वेरिएबल है, 15 फॉर 80 तो 1,12,000 के लिए 21, और एक्सटेंशन 1 लाख का और तो 4, तो 4 प्लस 21 आपका क्या हो जाएगा 25, हो गया खत्म। नाउ यू पुट इन दिस फाइनल आंसर, यू आर अज्यूम दैट देयर इज नो स्टॉक, ओके, आप बना लीजिए कॉस्ट शीट आपका, इट मींस दिस इज योर statement showing cost sheet, total per unit production, नोट नंबर 1, 1,12,000
units. Say yes or no. First is direct cost. First is direct material. डायरेक्ट मटेरियल की हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, नोट नंबर टू. सेकंड, डायरेक्ट लेबर, नोट थ्री. ओके, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा कुछ है नहीं, हम इग्नोर कर सकते हैं. इज प्राइम कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट में एक आपका है लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर एंड अदर कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगा आपका, क्या आएगा फ्रेंड्स, फैक्ट्री कॉस्ट, देन प्रॉफिट एंड लॉस आपका आ जाएगा सेल्स. सही आंसर. ऑलराइट, समझ में आ रहा है. अब आप आ जाइए सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल. What is your direct material? Note number 2, 4788,000. What is your direct labor? What is your direct labor? Direct labor 2152,500. 2152,500 is 6940,500 divided by 112,000 units is 61.96. 4788 divided by 112 is 42.75. Okay. And 2152,500 divided by 19.21. Indirect labor. Indirect labor अपने को क्या दे रखा है, 6 lakhs. Okay. And other cost लोगों ने निकाला था. इनडायरेक्ट लेबर नोट नंबर 4 हम लोगों ने किया था, और ये आपका आ गया नोट नंबर 5. नोट नंबर 4 एंड 5 ये आपका क्या आएगा, 25 lakhs. 31 lakhs. ऑलराइट, 31 lakhs, 69,500 + 30, 100,40,500 / 12, 89.64. Okay, sales हम लोगों ने निकाला था नोट नंबर 1, 1,26,00,000 फ्रेंड्स माइनस 126 25,59,500
500 divided by 112. 22.86 का बैलेंस है, सेलिंग प्राइस हमारा है 112.5, राइट। सो 112.5 माइनस 89.64 इज 22.86। बोलो यस, एक एक पार्ट आपको क्लियर हुआ है कितना? पहला डायरेक्ट मटेरियल नोट नंबर 2 हम लोगों ने बनाया था, डायरेक्ट लीवर नोट नंबर 3 बनाया, ये आ गया इनडायरेक्ट लीवर 4 एंड 5 बनाया, ये आ गया टोटल कॉस्ट, ये नोट नंबर 1 बनाया था। एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं? सारी वर्किंग नोट्स आप चेक कर लीजिए, ऑल वर्किंग नोट्स, आपको एक एक पॉइंट को समझने में एकदम मजा आ जाएगा। ये सब आपको दे रखा है, राइट फ्रेंड्स? प्रॉपर प्रैक्टिस जितना करेंगे, लिख लिख के आप देखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, द रूट ऑफ एजुकेशन इज बिटर बट फ्रूट्स आर वेरी स्वीट। ध्यान रखिएगा, ओके।